काफी ज्यादा डीएम आए हैं कि जोलो चिप लास्ट चिप चैलेंज ट्राई करो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मैरी क्रिसमस। So for today's Christmas special mukbang video, I have all the food items which I haven't had for a very, very long time because of my sugar restricted diet. But it's Christmas, so today I've got with me 8 Ferrero Rocher, 1 pound chocolate pineapple cake, 3 paneer patties and 2 aloo patties, and 1 egg and cheese sandwich that I've prepared for myself, 2 choco pies, 1 Cadbury Dairy Milk Silk Oreo, 1 Silk Oreo Red Velvet, 1 Munch Nuts and 1 5 star 3D. And here I've got with me some Nutella, and I also have this melted vanilla ice cream, and last but not the least, some red wine. मजाक कर रहा हूँ, रेड वाइन नहीं है, ये स्टिंग का एक एनर्जी ड्रिंक है जस्ट फॉर द क्रिसमस फील, रेड रेड कलर का, इसलिए मैंने रख रखा है। लुक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट दीज आर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ कैलोरीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट डायरेक्टली टेक इन टू दिस एंड बाकी बातें वीडियो में आगे करेंगे। सो लेट्स गो। This is 5-star 3D. Nutella के साथ चखते हैं। आलू पैटीज, ये चीजें बेसिकली सिर्फ इसलिए ताकि मैं मीठे के बीच बीच में अपना टेस्ट चेंज कर पाऊँ, क्योंकि बहुत कुछ मीठा है भाई। क्रिसमस है तो डेफिनेटली मैं इसमें से थोड़ा सा केक अपने घर वालों के लिए बचाऊंगा, बट बाकी मैं खाऊंगा। लुक एट दैट। अब ये थोड़ा सा मैसी हो सकता है, सो आई एम सॉरी इन एडवांस। ऊपर से पाइन एप्पल है और अंदर से चॉकलेट, लेट्स सी कैसा हो रहा है।
दिस सेंटा क्लॉज इज नॉट ईटेबल, तो इन्हें हम साइड कर देते हैं। ये है नॉर्मल ओरियो सिल्क और ये है ओरियो रेड वेलवेट सिल्क। अब दिख भी नहीं रहा है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। बट डेफिनेटली आई कैन टेस्ट चीज। ओरियो सिल्क रेड वेलवेट चखते हैं। फरेरो रोशर बहुत टाइम पहले टेस्ट करी थी और ये सब मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ। सो देखो ऑनेस्टली मुझे कुछ इतना डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है नॉर्मल ओरियो में और रेड वेलवेट ओरियो में। दोनों ही अच्छी हो रही हैं। आप में से किसी को भी अगर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हो कि वो सेंसिटिविटी सिर्फ ठंडा खाने से नहीं होती है, वो मीठा खाने से भी होती है। मैरी क्रिसमस। There is no way I can fit this in my mouth. कैसे खाऊं?
ओह माय गॉडनेस, बहुत ज़्यादा हैवी है। ओह माय गॉड, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत ज़्यादा हैवी है। न्यूट्रेला और वनीला का जो कॉम्बिनेशन है ना, कभी ट्राई करके देखना, गजब होता है। एक क्वेश्चन है जो मैं हमेशा अपने कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूँ रेगुलरली, और वो ये है कि हाउ डू आई मेंटेन माय फिजिक आफ्टर सच हैवी मील्स। लुक, आई वॉज नेवर दिस फिट। दिस फिट भी क्या, आई वॉज नेवर फिट एट ऑल। आई हैड अ डैड बॉड इसी लॉकडाउन से पहले। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू डोंट नो दिस, बट मैंने रिसेंटली अपना फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन किया है। लॉकडाउन में जब सभी जिम बंद थे, तो उस टाइम मैंने घर में ही वर्कआउट करके, घर में ही डाइट करके अपना 22 kg वेट लूज करा है 60 to 70 days में। तो जो जो चीज़ें मैं लॉकडाउन के टाइम पे फॉलो करता था, वही चीज़ें मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। पनीर पैटी टेस्ट करते हैं। ये सभी आइटम्स मैं गोयल बेकरी से लाया हूँ। गजब, बैक टू द टॉपिक। सो ड्यूरिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन फेज मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करी, डाइट में क्या क्या लिया, डाइट और एक्सरसाइजेस के अलावा और हमें क्या क्या चीज़ें अपने डेली रूटीन में करनी पड़ती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना रखे हैं इस चैनल पे। पहले इस आई बटन पे आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे।
मीठा और स्पाइसी मैं ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा डीएम आए हैं कि जोलो चिप लास्ट चिप चैलेंज ट्राई करो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ट्राई कर रखा है मैंने देखा, और वो वर्ल्ड का स्पाइसीस्ट चिप है ऐसा कंपनी क्लेम करती है जोलो चिप, और उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डीएम आ रहे हैं कि वो अटेम्प्ट करो वो अटेम्प्ट करो। क्या आप लोग भी वो चिप चैलेंज देखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं फटाफट से उसे ऑर्डर करूं और ट्राई करूं। और ये तो टास्क हो चुका है, फुलफिलिंग द पर्पस, मीठे के बीच बीच में टेस्ट चेंज करने के लिए इन्हें लाया था। एंड ट्रस्ट मी, मुझे आज ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये छोटे छोटे से क्यूब्स भी कितने हैवी हो सकते हैं। कौन सी रेड वेलवेट है कौन सी हो रही है बाहर में जाए ना तो समझ आ रहा है। सीखा और सूखा माई सेवियर। ये आधा केक मैं घर वालों के लिए बचाने वाला हूँ, और भले ही उनके लिए नहीं भी बचाना होता तो मैं डेफिनेटली ये नहीं खा पाता बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई कैच यू गाइज ऑन टू द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मेरी क्रिसमस।